हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे QRS 7 की, क्यूक रिविजन सीरीज 7। जैसा कि आपको पता है कि डेयरी केमिस्ट्री जो 12th AG केमिस्ट्री है, इसके अंदर हमने डेयरी केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। आपके चैप्टर नंबर 12 है, जो पूरा का पूरा 7 मार्क्स का है। इसके अलावा हम बात करें डेयरी केमिस्ट्री कौन कौन से एग्जाम में आपके दे रखा है, तो आपके जेट के एग्जाम में है, आपके ICAR के एग्जाम में, और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक में दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने अब तक इस सीरीज के 6 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप उनको देखें, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो आ जाइए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम बात करेंगे क्योंकि रिविजन सीरीज 7 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है दही। आज हम पढ़ेंगे दही कर्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि दही को सबसे ज्यादा कौन से मौसम में खाया जाता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दही को सबसे ज्यादा किस मौसम में खाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए आपके पास है सर्दी, ऑप्शन बी आपके पास है गर्मी, ऑप्शन सी आपके पास है बरसात, और ऑप्शन डी आपके पास है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी को आंसर देना है। और एक और बात बता दूं, अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर लिया है उसको एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को आगे निकाल निकाल के देखते हैं, आगे का 5 मिनट का देख लिया फिर बंद कर दिया। हो सकता है जब आपने बंद किया उसके बाद जो मैंने पढ़ाया उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो फिर पिक्चर उलझ जाएगी, और ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप लोग बिल्कुल पढ़ रहे हो, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से एंड तक। बिल्कुल दही सारा का सारा समझा के जाऊंगा, पूरा का पूरा याद करवा के जाऊंगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं दही। वैसे दही सबने खाया होगा, दही सब जानते होंगे। क्या आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि दही क्या होता है? चलिए आइए समझते हैं दही क्या होता है। दही दूध का एक किण्वित पदार्थ होता है, अभी समझाऊंगा। दही दूध का एक किण्वित पदार्थ होता है जिसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है निश्चित तापक्रम पे, और उसमें जामन मिलाया जाता है। जामन मिलाने के बाद उसको हम पर्टिकुलर इंक्यूबेशन अवधि के लिए रख देते हैं। उसके पश्चात 8 से 10 घंटे बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, दही कहलाता है। अब यहाँ पर 2-4 ऐसे शब्द आए हैं जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए हो, लेकिन समझ में आ जाएंगे जब हम इसको बोर्ड पर समझेंगे। तो आ जाइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं कि दही क्या होता है। सारे के सारे स्टूडेंट अपनी नोटबुक में परिभाषा नोट करेंगे। एक और बात, जो अब तक नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे तभी समझ में आएगा। आप जब आप खुद के हाथों से लिखोगे ना तो ज्यादा आपको याद होगा। तो आ जाओ समझते हैं दही क्या होता है। यह एक किण्वित पदार्थ है, यह एक किण्वित पदार्थ है। क्या यहां तक याद हुआ सबको, मेरे साथ में याद करना। यह एक किण्वित पदार्थ है जो दूध को गर्म करने के पश्चात समझ में आ रहा है, वापस फिर से बोल रहा हूं, यह एक किण्वित पदार्थ है जो दूध को गर्म करने के पश्चात 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठंडा करके उसमें उचित मात्रा में जामन
जामन जामन मिलाकर, अभी समझाऊंगा जामन क्या होता है, ठीक है, उसमें जामन मिलाकर उसे 8 से 10 घंटे इंक्यूबेशन अवधि पर रखकर तैयार किया जाता है, दही कहलाता है। हो सकता है ये परिभाषा आपको कठिन लग रही हो, लेकिन आओ इसको आसान बनाएं। आसान कैसे बनाएं, समझो। सबसे पहले मैंने एक लाइन बोली कि यह एक क्या है, किण्वित पदार्थ है। क्या है? किण्वित पदार्थ मतलब दूध में हमने कोई भी क्या कर दिया, खट्टा पदार्थ डाल दिया है, उसमें हमने छाछ डाल दी है, उसमें हमने दही डाल दिया है, उसमें हमने नींबू काट के नींबू निचोड़ दिया है, यह वह पदार्थ है। समझ गए? तो दूध मतलब यह दही एक क्या है, किण्वित पदार्थ है, जो दूध को गर्म करके, सबसे पहले क्या किया हमने, दूध को गर्म किया। आ जाओ गर्म करते हैं, अभी सिखाऊंगा कि दही कैसे बनाएंगे, पूरा दही बनाना सिखाऊंगा, लेकिन पहले दही समझ लेते हैं कि दही क्या था। ये दूध है और इसको हमने क्या किया है, गर्म कर लिया है। आओ देखो, गर्म करने के पश्चात मैंने इसको क्या किया, ठंडा किया, और ठंडा सामान्य तापमान 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैंने क्या किया, इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने के पश्चात मैंने इसमें क्या किया, उचित मात्रा में जामन मिलाया। अब जामन क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ ले कि मैं यहां पर इसमें क्या करूंगा, या तो छाछ या फिर पुराना दही या कोई भी खट्टा पदार्थ के क्या कर दूंगा, इसमें छींटे दे दूंगा या मिला दूंगा। कितना? 1 से 3%। अब समझे, दूध को गर्म किया, गरम करने के बाद 21 डिग्री तापक्रम पर ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उचित मात्रा कितनी, 1 से 3%। आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें परसेंटेज पूछेगा, याद रखना। तो कितना, 1 से 3% जामन ऐड किया। आओ देखो इधर, मिला दिया। जामन मिलाने के बाद 8 से 10 घंटे इंक्यूबेशन अवधि। अब इंक्यूबेशन अवधि क्या होती है समझो, मैंने बिना उसको इधर उधर हिलाए बिल्कुल एक फिक्स जगह पे स्थिर रख दिया है उस अवधि को। अब देखो मैंने कितने घंटे तक रखा, 8 से 10 घंटे तक। अब इस अवधि में क्या होगा, जो दूध दही बन रहा है वो बिल्कुल जमकर तैयार हो जाएगा, जम जाएगा। इस अवधि को ही क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन अवधि बोलते हैं, जिसमें दूध से दही बनने में जो समय लगता है, मतलब जमने में जो समय लगता है, उस अवधि को इंक्यूबेशन अवधि कहा जाता है। तो जामन मिलाने के 8 से 10 घंटे पश्चात इंक्यूबेशन अवधि पर रखा, उसके बाद में जो मुझे प्राप्त हुआ है वही क्या था, वही दही होता है। यह तो सिर्फ परिभाषा है, ये तो क्या है, सिर्फ परिभाषा है। अब देख लो इस परिभाषा को, इतना तोड़ के समझोगे ना तब जाके परमानेंट याद रहेगा। एक तो होता है कि आपने रीड कर लिया, रीडिंग लगा ली, परिभाषा पढ़ ली, रट्टा मार लिया, 8 दिन बाद भूल जाओगे, आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि जामन कहाँ मिलाया था। परिभाषा में जामन ऊपर लिख दिया, इंक्यूबेशन बहुत ऊपर लिख दिया, किण्वित नीचे लिख दिया, उल्टी सीधी डेफिनेशन आप इसको बना दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक सही और सटीक डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि अगर आप 12th में हो तो 12th में सब्जेक्टिव पेपर होता है और 12th बोर्ड है, जब अच्छे से लिखोगे ना तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। सपोज करो आपसे 1 मार्क्स में उसने पूछा एग्जामिनर ने कि दही को परिभाषित कीजिए, और आपने अपनी लैंग्वेज में परिभाषित कर दिया, ना तो उसको कुछ समझ में आया और ना ही आपको कुछ समझ में आया, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा ही मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर पूरा मार्क्स लेना है तो सही और सटीक परिभाषा याद होना चाहिए, और सही और सटीक परिभाषा कब याद होगी, जब आप इसको तोड़कर अच्छे तरीके से समझोगे कि दही क्या होता है। तो अब तक तो सिर्फ हमने परिभाषा देखी है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दही का संगठन, इसमें क्या क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ कर्ड दही। अगर आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहे यार, ठीक है, लाइक शेयर करोगे तभी पढ़ने में मजा आएगा, और हम इस पूरी 12th AG केमिस्ट्री का रिविजन कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके
तरीके से, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जैसे ही हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे, लेकिन मुझे इसमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए, तब ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाएगा। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दही देखा, दही क्या होता है, हेडिंग लगा लो कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ कर्ड या फिर दही, ठीक है, दही का संगठन, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं दही का संगठन, याद रखना और याद होना चाहिए मेरे साथ में। एक तो होता है वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद दो दिन बाद पूरा भूल गए, क्या फायदा है इसे वीडियो देखने का, याद होना चाहिए तभी मजा है। आओ मैं याद करवाता हूं आपको दही का संगठन। दही का संगठन बहुत आसान है, सबसे पहले लिखो आप अवयव, क्या लिखोगे, अवयव लिखोगे। अब देखो मैं एक तो आपको बताऊंगा, संपूर्ण संपूर्ण दूध से बना दही, भाई ये क्या बला है अभी समझाएंगे। एक मैं आपको बताऊंगा सपरेटा, सपरेटा से बना दही। अब अगर आपने पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि सपरेटा क्या होता है, लेकिन आ जाओ समझ लो सपरेटा क्या होता है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर क्या पढ़ाया था, क्रीम पढ़ाया था, और क्रीम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, मतलब जिसमें वसा 20% से अधिक हो। और हमने क्या कर लिया था, उस क्रीम को अलग किया था, याद होगा आप लोगों को, वो क्रीम की जो परत थी ना उस परत को अलग कर लिया था। अब उस परत में क्या थी, वसा ही वसा थी, तो वसा हमने निकाल ली थी। इसके बाद जो दूध बचा हुआ था वो था हमारे पास सपरेटा दूध, कौन सा था, सपरेटा दूध। अब देखो एक तो है मेरे पास पूरा का पूरा मिल्क, जिससे मैंने कुछ भी नहीं निकाला, वसा वगैरह कुछ भी नहीं निकाला, याद रखना। तो एक तो इस दूध से मैं क्या बनाऊंगा, दही बनाऊंगा, उसका संगठन यहां पे लिखूंगा। और एक सपरेटा दूध जिससे मैंने वसा निकाल ली है, क्रीम निकाल लिया है, अब उससे दही बनाएंगे तो उसका संगठन देखेंगे। आओ बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल फोकस बोर्ड पर बनाए रखो, एक एक पॉइंट आपको याद होगा, इतनी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप फोकस बनाए रखो, फोकस बनाए रखोगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आओ देखो अवयव, अवयव में सबसे पहले लेंगे हम पानी, क्या लेंगे, पानी लेंगे। आ जाओ देखो ये लिख दिया पानी, अब देखेंगे कि पानी की मात्रा कितनी होती है संपूर्ण दूध से बने दही में। तो आओ मेरे साथ याद करो, 84 से 88% होती है, मेरे साथ याद कर लेना तभी मजा आएगा। एक बार क्या 10 बार इसका जप नाम कर लो कि संपूर्ण दूध से जो दही बना होता है उसमें 84 से 88% पानी की मात्रा होती है। अब आ जाओ इधर, सपरेटा दूध से जो दही बना हुआ है उसमें पानी की कितनी मात्रा होती है, तो यार इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, क्या होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, कुछ ज्यादा नहीं होगी, देख लो बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 88 से 90% होगी, कितनी होगी, 88 से 90% क्या होगा, पानी होगा, जल होगा। इतना समझ में आया, समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद आपको होना चाहिए, और अगर याद हो जाए ना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आपका फीडबैक जरूर दे देना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, तो एक संगठन आपने याद किया अभी तो कि पानी इतना इतना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वसा की, वसा सभी जानते हो, अरे फेट, किसकी बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं, और ये था हमारे पास जल। और फैट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किस नस्ल में, ये क्वेश्चन आ चुका है भदावरी में 12 से 14%, ये याद होना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। आ जाइए वसा की बात करते हैं, वसा देख लेते हैं कि जो संपूर्ण दूध से बना दही है इसमें वसा की मात्रा कितनी होगी, तो इसमें होगी 5 से 7%, कितनी होगी, 5 से 7%, याद हो रहा है ना, होना ही चाहिए, पानी की मात्रा देखी, अब हम बात करें वसा की मात्रा, तो वसा कितनी है, 5 से 7%। अब एक बात बताओ, सपरेटा में, सपरेटा दूध से जो दही बनाया उसमें वसा की मात्रा होगी कि नहीं होगी, अरे बिल्कुल ना के बराबर होगी ना, क्योंकि क्रीम वाला वीडियो लेक्चर देखा है आपने तो समझ में आएगा, क्योंकि हमने सारी वसा निकाल ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग से 12th AG Chemistry के सारे, देखा है देख लेना, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग से 12th AG Chemistry के सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे आपको। तो आओ देखो इसमें सपरेटा से बने दही में अगर हम पानी की मात्रा देखें, पानी की वसा की मात्रा, तो 0.01 से 0.1% होगी।
कितनी होगी? 0.01 से 0.1% होगी। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दुग्धम की। दुग्धम, अच्छा दुग्धम क्या होता है? लैक्टोज होता है, और लैक्टोज की वजह से ही क्या होता है? दूध मीठा होता है। यह एक क्या है? दूध की शर्करा है। क्या है? दूध की शर्करा है। तो आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं दुग्धम कितना होगा। जो संपूर्ण दूध से जो दही बना है, इसमें 4.4 से लेकर 4.9% क्या होगा? दुग्धम होगा, लैक्टोज की मात्रा होगी। अब आ जाओ इधर, इधर कितना होगा? तो इधर होगा 4.6 से लेकर 5.0% क्या होगी? दुग्धम की मात्रा होगी, लैक्टोज की मात्रा होगी। इसके बाद अगला अवयव हमारे पास आ रहा है प्रोटीन का। कौन सा आ रहा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को तो सभी जानते हो ना भाई, याद रखना मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन। और हम बात करें संपूर्ण दूध से जो दही बना है, इसमें प्रोटीन कितना होगा? तो इसमें होगा 3.5% कितना होगा? 3.2 से लेकर 3.5% होगा। और जस्ट हम बात करें इधर सपरेटा, तो सपरेटा में कितना होगा? इसमें होगा 3.4 से लेकर 3.8% कितना होगा? 3.4 से लेकर 3.8% क्या होगी? इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला अवयव हम ले रहे हैं खनिज पदार्थ। क्या ले रहे हैं? खनिज पदार्थ। और आओ देखो खनिज पदार्थ याद हो जाना चाहिए। इसमें होता है 0.5 से लेकर 0.6% क्या होंगे? खनिज पदार्थ होंगे। उधर हम बात करें तो इधर होगा 0.7 से लेकर 0.8% क्या होंगे? खनिज पदार्थ होंगे। याद हो रहा है ना? होना ही चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूं जैसे पर्टिकुलर कैल्शियम की। आपको पता है कि दूध में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, तो दही में भी होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर संपूर्ण दूध से जो दही बना है, इसमें कैल्शियम कितना होगा? तो इसमें कैल्शियम होगा हमारे पास 0.9 से लेकर 0.11%। कितना होगा? 0.9 से लेकर 0.11% होगा। और जस्ट हम बात करें सपरेटा से बना दही, इसमें होगा 0.8 से लेकर 0.11%, इसमें क्या होगा? कैल्शियम होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा अगले अवयव की। और अगला अवयव में ले रहा हूं यहां पर क्या ले रहा हूं? फास्फोरस। और फास्फोरस की बात करें तो कितना होगा? ये एप्रोक्स इसी के बराबर होगा, 0.9 से 0.12% होगा। और बात करें हम सपरेटा तो कितना होगा? ये 0.11 से लेकर 0.13% होगा। कितना होगा? 0.11 से लेकर 0.13% क्या होगा? फास्फोरस की मात्रा होगी। ये याद रखना है। इसके अलावा एक और अवयव आपको यहां नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट में बोर्ड बिल्कुल यहां तक आपको दिख रहा है। एक और अवयव हम देख लेते हैं, हम बात करेंगे दुग्धा, दुग्धा अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की। ये कितना होता है? तो संपूर्ण दूध से जो दही बना होता है उसके अंदर ये होता है 0.7 से 0.8% होता है, और सपरेटा से बने दही में होता है 0.7 से लेकर 1.0% दुग्धा अम्ल होता है। तो ये क्या हो गया? संगठन हो गया। आओ एक बार इस संगठन पे दोबारा नजर डालते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। और याद रखना, इस बार ये याद हो जाना चाहिए आपको। मेरे साथ याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप समझते चलो, डरना मत। आओ देखो, बात कर रहा हूं मैं कंपोजिशन की, संगठन की बात कर रहा हूं, दही के संगठन की बात कर रहा हूं, दही। आओ देखो, तो सबसे पहले पानी मैंने लिया, और पानी जो संपूर्ण दूध से जो दही बना है, इसमें पानी की मात्रा है 84 से 88%। कितनी है? 84 से 88% है। और जो सपरेटा से बना जो दही है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। कितनी होगी? 88 से 90%। याद करने का सीधा सा फंडा है, यहां 84 से 88 पे फिनिश हो रहा है, यहां 88 से 90 पे फिनिश कर देना, बात फिनिश। आओ आगे बढ़ते हैं, वसा की बात कर लेते हैं, फैट परसेंटेज की। तो यहां फैट कितना है? अरे यहां तो सारा ही फैट होगा ना यार। आप देखो तो सही, अगर भैंस का दूध है तो उसमें 7% तो औसत वसा की मात्रा होती है, और अगर भदावरी का तो फिर ज्यादा होगी। तो आओ देखो इसमें कितना, 5 से 7% वसा होगी। क्या इसमें होगी? क्या इसमें? तो कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा ना, क्रीम निकाल ली, वसा निकाल ली,
तो वसा है ही नहीं उसके अंदर, तो उसमें वसा की मात्रा होगी नहीं, फिर भी बहुत कम होती है, कितनी 0.01 से लेकर 0.1% फैट होता है, याद होना चाहिए। और वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, पूरा देखते रहना, लाइक और शेयर करते रहना। आओ आगे बढ़ते हैं, दुग्धम की बात कर रहे हैं, लैक्टोज जिसकी वजह से दूध मीठा होता है, ये होता है 4.4 से 4.9% संपूर्ण में, उधर हम बात करें 4.6 से 5 बोल दिया, बस थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया, याद हो जाना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन, तो प्रोटीन कितना 3.2 से 3.5% संपूर्ण में, इधर कितना 3.4 से 3.8% सपरेटा वाले दही में। बात करें खनिज पदार्थ, तो बहुत आसान है, देखो एक गिनती बोलनी है 5, 6, 7, 8 आसान है, 5 से 7, 8 मत लिख देना गलत हो जाएगा, अरे आपको जीरो भी लगाना है। देखो 0.5 से लेकर 0.6, अब 0.6 के बाद 7 आता है, 0.7 से 0.8%, ऐसे याद रखना है। अगर आप इसको अपनी नोटबुक में बिना देखे 4 से 5 बार बना लोगे ना, तो इतनी गारंटी देता हूं आप नहीं भूलने वाले इसको, एग्जाम में छाप के आओगे अच्छे तरीके से, और हमें छापना है अच्छे तरीके से, सिलेक्शन नहीं लेना, रैंक लानी, और रैंक लाने के लिए हमें इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा कि एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक संगठन, एक एक अवयव याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं आने वाला, क्योंकि भीड़ बहुत है, इस बात को आप भी जानते हो। तो आओ आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कितना, खनिज पदार्थ नहीं देखा, खनिज पदार्थ देख लिया है हमने, अब आ जाइए बात करते हैं कैल्शियम कितना 0.9 से 0.11%, इधर कितना 0.8 से 0.11, ये सेम लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैल्शियम फास्फोरस और दुग्धाम्ल, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस 0.9 से 0.12, इधर 0.11 से 0.13, इधर बात करें दुग्धाम्ल तो 0.7 से 0.8, 0.7 से 1%, 10 मत लिख देना गलत हो जाएगा। तो ये था संगठन, अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, अरे अभी तो सिर्फ हमने दही की परिभाषा देखी है और दही का संगठन देखा है। आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे दही बनाने की विधियां, कि दही कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा दही बनाया जा सकता है। वैसे आपको दही बनाना आता होगा तो आप मेरे क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते रहना बीच बीच में। आओ आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, अपनी आंखों में बसा लेना इस डायग्राम को ताकि याद हो जाए जब हमें इसकी जरूरत पड़े, ये फोटो निकालो अपने माइंड में से और लिख दो, देखो कि क्या सही है और सही आंसर आपको लगाना है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, और इस परिवार को भी हमें कंटिन्यू आगे बढ़ाना है, कैप्टन एग्रो परिवार को। जो स्टूडेंट अब तक जिन्होंने जैसे टेलीग्राम वगैरह है ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर क्यूज चलती रहती है, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप जेट का लेना चाहोगे तो जेट का, सुपरवाइजर का लेना चाहोगे तो सुपरवाइजर का, और बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। यहां पर जैसे मैं आपको एग्रीकल्चर ही पढ़ा पाता हूं या पर्टिकुलर केमिस्ट्री पढ़ा पाता हूं, अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप ऐप पर एक बार जरूर जाए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दही बनाने की विधियां, दही बनाने की विधियां। अब ये तो यार बहुत आसान है ना, दही दे रखा है सुपरवाइजर में, याद रखना, तो दही बनाने की विधियां आना चाहिए, ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी, बस फोकस बनाए रखे, सोना मत याद रखना, ठीक है। आ जाइए बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है देसी विधि। अरे कौन सी विधि आती है बालको, देसी विधि आती है, और इसके बाद दूसरी विधि विदेशी विधि, अरे नहीं, वैज्ञानिक विधि आती है। कौन सी आती है, वैज्ञानिक विधि आती है। बातें समझ में आ रही है, दो विधियों के द्वारा दही बनाया जाता है, अभी चुटकियों में समझ लेंगे कि दोनों विधियों में क्या क्या रामलीला है। आओ देखो, सबसे पहले हेडिंग लगा लो कौन सी, देसी विधि, और देसी विधि बहुत आसान है बालको, एक बार तो मैं बोल के बता देता हूं, फिर आएंगे हम बोर्ड पे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। मेरा मेन मकसद पढ़ाना नहीं है, आपको याद करवाना है, क्योंकि याद होगा तभी तो काम आएगा, ऐसे कैसे काम आएगा। तो आओ देखो देसी विधि में क्या करेंगे, रामलाल ने अपनी भैंस का दूध निकाला, क्या किया रामलाल ने, अपनी भैंस का दूध निकाला, उसको गर्म किया, कर लिया गर्म, धीमी आंच पे गर्म कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको ठंडा करने के लिए उसने रख दिया। रखने के बाद रामलाल की पत्नी आई छमिया, और छमिया ने क्या किया, उसमें जो पुराना दही था वो थोड़ा सा डाल दिया,
करीबन करीबन परसेंटेज तो होता नहीं, लेकिन थोड़े बहुत छींटे दे दिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और रख दिया छमिया ने कितने घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए। और 8 से 10 घंटे पश्चात क्या होगा, दही बन जाएगा। और ये क्या होता है, यही तो होती है देसी विधि। समझ में आया नहीं आया, आओ समझाता हूं। रामलाल को लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। देखो यहां से समझते हैं पूरा का पूरा, ताकि आपको अच्छे से, यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को, एक मिनट, यहां तक आपको दिखना चाहिए तभी मजा आएगा। अरे और आगे तक आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल यहां से स्टार्ट करते हैं। देसी विधि, देसी विधि, आओ देखो क्या किया। दूध, ये रहा दूध, बिल्कुल इसको गर्म किया, कर दिया गर्म। गर्म किया किसने, रामलाल ने किया था गरम, याद रखना। अब गरम क्यों कर रहे हैं, तो गरम इसलिए कर रहे हैं ना यार, ताकि उसमें जो जीवाणु है वो नष्ट हो सके, इसलिए गरम कर रहे हैं ना। हमने गरम किया और गरम करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको ठंडा किया। क्या किया, ठंडा किया। ठंडा कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया बालक, तो 21 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे, 21 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद कौन आई, याद है ना, छमिया। किसकी पत्नी, रामलाल की पत्नी। और इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब प्लस मतलब डॉक्टर थोड़ी बढ़ा दिया दही को, अरे इसमें उसने क्या कर दिया, जामन ऐड कर दिया। अब जामन क्या होता है सर, दिक्कत वाली बात नहीं है, आज जामन भी समझा के जाऊंगा कि जामन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जामन मिला दिया। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि उसने छाछ या दही, क्या छाछ या दही उसने मिला दिया। अब मिलाने के बाद छमिया ने क्या कर दिया, वापस रख दिया इसको। कितने घंटे के लिए, इसने रख दिया इसको 8 से 10 घंटे के लिए। और 8 से 10 घंटे पश्चात क्या होगा, ये बन गया दही। यहां तक दिख रहा है, दही तक, एक तो पता चले आपको दही नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल दही तक दिख रहा है, तो ये दही बन गया। और यही क्या होती है, देसी विधि होती है। अब एक बात बताओ यार, इस देसी विधि में कुछ टफ लगा क्या आपको, कुछ टफ नहीं, आसान है। दूध गर्म, ठंडा, ठंडा याद रखना 21, यहां जामुन याद रखना, और 8 से 10 घंटे, इसी को हम वैज्ञानिक विधि में इंक्यूबेशन अवधि बोल देंगे, याद रखना। तो ये बन गया दही देसी विधि से। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं दूसरी विधि, जिसको हम बोल रहे हैं वैज्ञानिक विधि। क्या बोल रहे रे बाल को, वैज्ञानिक विधि बोल रहे हैं। अरे सो मत जाना, अब वैज्ञानिक विधि आ रही है और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आओ समझो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, दूध का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, दूध का चुनाव करेंगे। अब दूध का चुनाव का मतलब यह है, सिलेक्शन ऑफ मिल्क लिख लेना, और इसमें आप आगे लिख लोगे, क्या लिख लोगे इसमें आप लिखोगे, दूध के चुनाव के अंदर हम इस दूध को, जब रामलाल ने दूध निकाला, तो निकालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से छानेंगे। क्या करेंगे, छानना, छानेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसमें देखेंगे कि कोई कचरा उचरा तो नहीं है ना, ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, पानी वगैरह ज़्यादा तो नहीं मिला दिया, सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमने दूध का चुनाव किया, और दूध के चुनाव में हमने इसको क्या कर लिया, छान लिया। किस लिए, ताकि साफ हो सके। क्या हो सके, साफ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना यार, जो दूध में आकर गिर जाए। अरे आप जानते नहीं हो, जब गौशाला होती है, बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं जहाँ पर मशीनें नहीं होती, वहाँ पर क्या करते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जैसे दूध निकाल रहे हैं, बुरी आदत लगी हुई है, इधर गुटखा दबाया हुआ है, जो भी आता है मार्केट में गुटखा दबा रखा है। अब दूध निकालते निकालते रामलाल क्या कर रहा है, पिचकारी चला रहा है, इधर पिच 2-4 छींटे दूध में आ जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं। अगर गाय चारा खा रही है, तो चारा उड़ उड़ के दूध में आ रहा है, वो सारे के सारे कण आ जाते हैं ना यार दूध के अंदर। हो सकता है मक्खियां भिन भिन आ रही हो, रामलाल की पत्नी ऊपर से हवा हवा बिल्कुल, ताकि मक्खियां ना लगे, 1-2 मक्खी के पड़ गई और नीचे बाल्टी में। तो इन सारी की सारी अशुद्धियों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूध का चुनाव, चुनाव करेंगे तो इसको छानेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आओ देखो, इसके बाद दूसरा, इसमें पूरा लिख लेना, लिखना चाहो तो आप, इसके बाद क्या करेंगे, गर्म करना। अब गर्म करना कितने डिग्री तापक्रम पर गर्म करेंगे, तो देख लो इधर 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जिससे क्या होगा, अरे वही जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे ना यार, क्या हो जाएंगे, जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे, जीवाणु मर जाएंगे। तो याद रखा हमने क्या किया, सबसे पहले दूध का चुनाव किया, इसके बाद में दूध को गर्म किया। अब यहां तापमान याद रखना कितना, 72 से 75 डिग्री, और समय याद रखना कितना, 30 मिनट। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करना।
अब देखो क्या कर रहे हैं, इस दूध को हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, लेकिन ठंडा कितने डिग्री तापमान पे कर रहे हैं, तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे कर रहे हैं। अच्छा 21 से 22 पे क्यों ठंडा करते हैं, आपके मन में सवाल उत्पन्न नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं, आ जाइए बता देता हूं। 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसलिए ठंडा कर रहे हैं क्योंकि इस तापमान पे जो जीवाणु होते हैं ना, क्या होते हैं जीवाणु, वो अधिक सक्रिय होते हैं, और हम यही तो होते हैं ना, क्या होते हैं जीवाणु, वो अधिक सक्रिय होते हैं और हम यही तो चाहते हैं, दही में जीवाणु ही तो होते हैं तभी तो जाके दही बनता है। अभी देखेंगे जामन के अंदर कि कौन कौन से जीवाणु हैं जो दूध को दही में बदलने में वर्क कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, ठंडा किया, ठीक है ठंडा कर दिया, अब क्या करेंगे, अरे इसमें रामलाल की पत्नी क्या करेगी, जामन मिलाएगी। तो जामन मिलाना, अब आओ देखो जामन कैसे मिलाएंगे, सीधी सी बात है यार, 1 से 3% याद रखना है आपको, कोष्ठक में लिख लेना, छाछ व दही याद रखोगे तो 1 से 3%। देखो वैज्ञानिक में देसी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा का डिफरेंस है, ये याद रखना है। वहां कोई डेटा नहीं लिखवाया मैंने, लेकिन यहाँ तापमान लिखवाया, इधर भी तापमान लिखवाया, इधर ठंडा वाला तापमान, जामन कितना मिलाया वो भी मैंने आपको लिखवाया, तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर दिया, जामन मिला दिया, कितना जामन मिला दिया, 1 से 3% जामन मिला दिया, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, जो अच्छा जामन मिलाने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना उसको, ठीक है, तभी जाके बराबर मात्रा में वो बटेगा। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास आएगा, हम इसको क्या करेंगे, इनक्यूबेशन ताप क्रम पर रखेंगे, क्या करेंगे, इनक्यूबेशन अवधि या इनक्यूबेशन ताप क्रम पर रखेंगे। कहने का मतलब ये है, अरे सीधी सी बात है, एक बात समझ रहे हैं, यहां जामन मिलाया हमने 1 से 3%, अब जामन मिलाने के बाद हमने इसको रखा, तो रखने के बाद का जो समय है वही इंक्यूबेशन तापक्रम आ रहा है, ठीक है। अब कहां पर रखेंगे कहां पर नहीं रखेंगे ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर गर्मी का मौसम है तो आप क्या करोगे, ठंडी जगह पे, कौन सी जगह पे, ठंडी जगह पे, और अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म जगह पे आप इसको रखोगे। बात को समझ रहे हो आप मेरी को, ठीक है, कितने घंटे के लिए रखोगे, अरे 8 से 10 घंटे रखोगे, और 8 से 10 घंटे पश्चात क्या हो जाएगा, दही तैयार हो जाएगा। लेकिन आओ यहां पर भी थोड़ी सी पिक्चर है, पिक्चर क्या है भाई, यहां तक दिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं इसी पॉइंट को, आप यहां से नोट करेंगे, मैं बात कर रहा हूं कि गर्मियों में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आना चाहिए कि गर्मियों में कितने समय में दही बनकर तैयार हो जाता है वैज्ञानिक विधि से। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा 6 से 8 घंटे में दही बनकर तैयार हो जाता है। जबकि हम बात करें किसमें, सर्दियों में, तो सर्दी के मौसम में 10 से 12 घंटे में दही बनकर तैयार हो जाता है। यह आपको जस्ट इस पॉइंट के नीचे लिखना है, और इसी के साथ हमारा क्या फिनिश होता है, दही फिनिश होता है, दही बनाने की विधियां फिनिश होती है कि दही कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूरा दही देख लिया, दही का संगठन देख लिया है, और उसके बाद दही बनाने की विधियां देख ली है। उम्मीद करता हूं सारा दही आपको समझ में आया होगा। इसका एक और टॉपिक हमारे पास बच रहा है, वो बच रहा है जामन, और अगर आपको जामन जानना है कि जामन क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर जल्दी से जल्दी QRS-8 लेकर आइए, हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो जितना हो सके उतना अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करना, और इस वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको शेयर करना। एक एक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तभी उसको पढ़ने में मजा आएगा और सारी की सारी चीजें उसको याद हो जाएगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर कर दे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक और बात, जो स्टूडेंट पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखना आज के लिए एजी सुपरवाइजर कोर्स की जो पहले प्राइस थी वो थी देखो 299 थी, ठीक है ना, 2999 रुपए थी। इसके बाद इसकी प्राइस 1999 कर दी गई थी, और आज इसकी प्राइस वापस, ये समझ लीजिए एक तरीके से कल सुबह 12 बजे तक इसकी प्राइस वापस 1499 रुपए कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, और याद रखना इसका जो ड्यूरेशन है ना वो कितना है,
टू ईयर का है, दो साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। तो बिल्कुल इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। 1500 रुपए में 7 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं सुपरवाइजर के। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, जाइए कैप्टन एग्रो ऐप पे, डेमो देखिए और परचेस कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा जो स्टूडेंट जेट आईसीएआर की तैयारी करना चाहते हैं, जेट आईसीएआर की तैयारी वाले स्टूडेंट भी कैप्टन एग्रो ऐप पे जाए, वहां डेमो देखे और इस कोर्स की प्राइस है 2499 रुपए। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, वो जाइए परचेस कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665686175। ये आपके लव सर के नंबर है, याद रखना, कॉल कर सकते हो, मैं खुद इस पे बात करूंगा आपसे। तो मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।